15 दिन से रूस के सैनिक कीव की घेराबंदी किए हुए हैं, लेकिन शहर में दाखिल होने की हर कोशिश नाकाम हो रही है। इसीलिए रूस ने कीव पर कब्जे के लिए क्रिमिया का प्लान तैयार कर लिया है। रूस के सैनिक बगैर वर्दी के सादे कपड़ों में कीव में दाखिल हो चुके हैं। इसके साथ ही रिहायशी इलाकों की इमारतों में हथियार जमा किए जा रहे हैं। सवाल ये कि क्या रूस क्रिमिया की तरह ही कीव पर भी कब्जा करने वाला है? अगले 48 घंटे यूक्रेन की राजधानी पर कैसे कयामत ढा सकते हैं, इस रिपोर्ट को देखिए। मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, रॉकेट, पंद्रह दिन से रूस के ये अस्त्र यूक्रेन पर बारूदी बारिश कर रहे हैं। आसमान से लेकर जमीन तक विनाश बरपा रहे, जिसने यूरोप की दहलीज के मुल्क की रीढ़ तोड़ दी। आसमान से जब यमराज की सवारी लिए रूसी मिसाइल गिरती है, तो ना इमारत देखती है, ना इंसान, ना ही बेजुबान। पिछले 24 घंटे के दौरान रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए। इन हमलों में कई जाने चली गई तो कई शहर खंडहर हो गए। इस तस्वीर को देख लीजिए। रूसी मिसाइलों से तबाह हो चुकी जो इमारत नजर आ रही है, वो मारियोपोल शहर में बच्चों का अस्पताल था, जिस पर रूसी मिसाइलें वज्र बनकर गिरी। हमला इतना जोरदार था कि पूरा अस्पताल ही नहीं, आसपास के पेड़ पौधे भी खाक हो गए। रूस के इस हमले में एक बच्चे समेत 3 की मौत हो गई। डेटस्का बोल्निसा, रोद्दोम। चाहे बच्चों का अस्पताल हो या मैटरनिटी हॉस्पिटल, उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। रशियन फेडरेशन को वो किस तरह से धमकी दे रहे हैं, ये कैसा रूसी संघ है जो बच्चों के अस्पताल और मैटरनिटी हॉस्पिटल से खौफ खाता है और उन्हें बर्बाद कर देता है। रूस के यूक्रेन पर हमले किए 15 दिन हो चुके हैं और हर बीतते दिन के साथ ये और भी भीषण होता जा रहा है। प्रेसिडेंट पुतिन ने अपनी पलटन को फाइनल फरमान सुना दिया है कि जल्द से जल्द कीव पर कब्जा करना ही होगा। इसलिए रूस की फौज 3 तरफ से आगे बढ़ रही है। रूसी फौज का काफिला यूक्रेन के दक्षिणी सरहद से कीव कूच कर चुका है, लेकिन नॉर्थ की तरह साउथ में भी यूक्रेनी फौज कड़ी टक्कर दे रही है। रूसी काफिले की तस्वीरें अजोव शहर की है, जहां रूसी टैंकों के काफिले पर यूक्रेनी फौज ने एक के बाद एक कई ड्रोन से अटैक किए। हमले में रूस के कई टैंक तबाह हो गए। कीव पर कब्जे की हर कोशिश नाकाम होने से पुतिन का पारा हाई है, इसलिए रूस ने बड़ा फैसला लिया है। यूक्रेन की जंग में स्पेशल फोर्स के जवान भेजे जा रहे हैं। नौसिखिए जवानों को मॉस्को वापस बुलाया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि इस युद्ध में रूस के नए सैनिकों को नहीं भेजा जाएगा, ना ही अतिरिक्त सैनिकों की टुकड़ी यूक्रेन भेजी जाएगी। इस जंग में सिर्फ स्पेशल सैनिक ही लड़ रहे हैं और वही लक्ष्य हासिल करके दम लेंगे। इसके साथ ही रूस ने कीव को कब्जाने के लिए 8 साल पहले क्रीमिया वाला फॉर्मूला तैयार किया है। रूस के इस फॉर्मूले से कीव पर कैसे कयामत आने वाली है, ऐसे समझिए। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक रूस के सैनिक बिना वर्दी वाले सादे लिबास में कीव की तरफ बढ़ रहे हैं। पहचान छुपाने के लिए रूसी सैनिक हर हथकंडा अपना रहे हैं। इतना ही नहीं, हथियारों को खेतों और रिहायशी इलाकों में छिपाया जा रहा है। 8 साल पहले क्रीमिया पर कब्जा करने के लिए रूस ने यही रणनीति अपनाई थी। माना जा रहा है कि पहचान छिपाकर कीव में दाखिल होने और हथियारों की खेप जमा करने के बाद रूस पूरी ताकत के साथ कीव पर हमला बोल सकता है।
कीव के पास चंद घंटे क्यों बचे और रूस क्यों अगले 48 घंटे में कीव पर कब्जा कर सकता है, इसकी वजह जाननी जरूरी है। कीव में यूक्रेनी फौज के ज्यादातर ठिकाने तबाह किए जा चुके हैं। यूक्रेन की आर्मी की रडार सिस्टम को भी तबाह किया जा चुका है। इसके साथ ही 15 दिन में कीव की आधी आबादी शहर छोड़ चुकी है। रूस के कीव पर सीधा हमला ना करने की एक वजह राजधानी में आम लोगों की बड़ी मौजूदगी थी, क्योंकि हमले में कई आम लोग मारे जा सकते थे। लेकिन अब रूस को बहाना मिल गया है। तीन तरफ से घेरने के बाद एरियल अटैक की भी तैयारी कर ली गई। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।